Next question. Question number seven. Question number seven. Government imposes a tax of rupees 10 per unit to be paid by the supplier. What would be the effect? ठीक है, विदाउट मैथ सोचते हैं, विदाउट मैथ्स ये डिस्कस हुआ था कि द सप्लाई प्राइस शोज द मिनिमम प्राइस द सप्लायर वांट्स. इफ द गवर्नमेंट इज आस्किंग मी टू पे 10 रुपीस पर यूनिट, ओके, दैट आई सप्लाई, तो इन दैट केस आई विल वांट 10 रुपीस मोर और 10 रुपीस लेस. मोर द सप्लाई प्राइस विल गो अप बाय 10, विल गो अप बोल रहे, माने आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल और आई टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल द सप्लाई प्राइस विल गो अप बाय 10 ना, व्हिच मींस ये जो सप्लाई कर्व था, supply curve, okay, sorry, the supply curve will shift where? Upwards. Upwards माने leftwards. Upward माने leftwards. मतलब अगर वो लोग पूछे, there will be a decrease in supply or increase in supply. Answer क्या होगा? Decrease. Intuitive भी है. Supply को tax देना पड़ रहा है, तो you would supply what? Less. ठीक है? खैर mathematically, so जो समझ में आता है, you would like to charge 10 rupees more. तो 10 rupees more जो charge करेगा, उसको calculate करने के लिए अगर अपने इस सप्लाई कर्व को उल्टा करें, उल्टा मतलब प्राइस इज इक्वल टू क्यूएस प्लस 1400 बाय 3. सप्लाई कर्व को तो बोल सकते हैं ना, प्राइस इज इक्वल टू क्यूएस प्लस 1400 बाय 3. तो दिस इज द प्राइस ही वांट्स टू चार्ज, बट नाउ ही वांट्स टू चार्ज व्हाट, 10 रुपीस मोर. अब जब प्लस 10 करेंगे, और यू कांट ऐड 10 ओवर हियर, यू विल हैव टू ऐड 10 बाय मेकिंग पी द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. ठीक है, बट इन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट शॉर्टकट पे शायद हो जाएगा p माइनस 10, और अगर 3 इनटू p माइनस 10 कर दे तब भी रिजल्ट अकम्प्लिश हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो सप्लाई कर्व नया वाला निकलेगा और सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड करेंगे, तो रिजल्ट तो पहले से अपने को पता है, क्या क्वांटिटी ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम. वो तो कल डिस्कस हो ही गया था, टैक्स इंपोज करने से अंडर प्रोडक्शन होता है, क्वांटिटी कम आएगा और प्राइस इंक्रीज होगा. प्राइस इंक्रीज होगा, अपना इक्विलिब्रियम प्राइस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आया हुआ है? इक्विलिब्रियम प्राइस क्वेश्चन नंबर 1 में 500 आया है ना. क्वेश्चन नंबर 2 3 4 से कोई मतलब नहीं है, 1 से सीधा 7 रीड हो रहे, तो 500 आया है, तो प्राइस जो 500 से ऊपर आएगा. अगर 504 आया, कितना आया? 504. ओके, इसका मतलब 10 रुपये में से 4 रुपये कौन बेयर कर रहा है? कंज्यूमर. और बाकी 6 रुपये कौन बेयर कर रहा है? सप्लायर. 10 रुपये टैक्स है ना, अगर 4 रुपये दाम बढ़ता है तो 4 रुपये कंज्यूमर बेयर कर रहा है और 6 रुपये कौन? सप्लायर. ठीक है, वो सब चेक करना चाह रहे. ठीक है, लेट्स डू इट. सॉल्यूशन. The supply price shows the minimum price that the supplier wants. Supply price shows the minimum price that the supplier wants. Bracket his MC marginal cost. Supply price to marginal cost curve. First off, in the above problem we have QS equal to minus 1400 plus 3P. So P equal to QS plus 1400, the whole divided by 3. Next slide. After tax imposition, P equal to QS plus 1400 divide by 3 plus 10. वो 10 रुपए ज़्यादा मांग गया. एक बार में कर रहे हैं. 10 को अगर उधर ले गया और 3 से मल्टीप्लाई किया, 1400 वापस वहाँ भेजा. You can see result आ रहा है minus 1400 plus 3 into P minus 10. ठीक है ना, 10 उधर इधर आया, P माइनस 10 और 3 मल्टीप्लाइड हुआ, माइनस 1400 हो गया. तो QS इक्वल टू माइनस 1400 प्लस 3 इनटू P माइनस 10. ये इक्वेशन कोई कोई डायरेक्ट रीड करना चाहे कि सर वो डायरेक्ट नहीं करना है, मेरे को नॉन मैथ सोचना है. तो ही वुड लाइक टू सप्लाई मोर और लेस. लेस ये तो डिस्कस किए ना, ही वुड लाइक टू सप्लाई लेस. तो लेस ही तो हो जा रहा है. डू नाउ लाइक टू सप्लाई और लेस. ओपन करते हैं इक्वेशन को.
दैट इज QS इक्वल टू माइनस 1400 प्लस 3P माइनस 30. सो QS इक्वल टू माइनस 1430 प्लस 3P. QS इक्वल टू माइनस 1430 प्लस 3P. दिस इज द न्यू सप्लाई कर्व. ओके, दिस इज द न्यू सप्लाई कर्व. इसका स्लोप इज द सेम एज द ओल्ड सप्लाई कर्व 3, पर इसका जो शिफ्ट हो गया, क्या हो गया? शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट हो गया. माइनस 1430 प्लस 3P. ओके, और डिमांड फंक्शन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है. कंज्यूमर को तो टैक्स लग रहा नहीं, वो इनडायरेक्टली बेयर करने वाला, वो अलग बात. बट कंज्यूमर का डिमांड फंक्शन क्या है? सेम. नेक्स्ट लाइन, हेल्स एट इक्विलिब्रियम. हेल्स एट इक्विलिब्रियम QS इक्वल टू QD. हेल्स एट इक्विलिब्रियम QS इक्वल टू QD, यानी कि माइनस 1430 प्लस 3P. माइनस 1430 प्लस 3P इक्वल टू व्हाट? 600 माइनस P. सो वी आर गेटिंग 4P इज इक्वल टू 2030. सो P इज इक्वल टू व्हाट? 507.5. नया वाला प्राइस 507.5, और नया वाला क्वांटिटी वहां से निकाले तो बेटर लगेगा. नया वाला क्वांटिटी इज इक्वल टू 600 माइनस 507.5 इक्वल टू 92.5. नया वाला क्वांटिटी 92.5. ठीक है, तो अंडर प्रोडक्शन हुआ है इन अ फेयर मार्केट विदाउट एनी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस. प्रोडक्शन होना चाहिए कितना? 100 यूनिट्स. और प्रोडक्शन हो रहा क्या है? 92.5 यूनिट्स. देयर इज अ डेडवेट लॉस. गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया ऑन द होल? टैक्स रेवेन्यू 925 ना. 92.5 यूनिट्स पे 10 रुपीस पर यूनिट. इट कलेक्टेड रेवेन्यू अबाउट 925 रुपीस. ठीक है, तो कंज्यूमर को बेयर करना पड़ा 75% टैक्स, बिकॉज 10 रुपीस टैक्स इम्पोज हुआ था एंड द प्राइस हैज गॉन अप बाय व्हाट? 7.5. तो 75% टैक्स इज बोर्न बाय द कंज्यूमर एंड 25% टैक्स इज बोर्न बाय द सप्लायर. इसका मतलब हु इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग? सप्लायर. मतलब हु इज इलास्टिसिटी हाई? सप्लायर. मतलब ES और ED का जो रेशियो ना, ES और ED का रेशियो, तो ES हाई है, ED लो है. रेशियो 3:1 है. रेशियो क्या है? 3:1. अब मैं रेशियो बता रहा ना, वो रेशियो में लोग शेयर करते हैं, तो पक्का ES ED का जो रेशियो हो गया 3:1. ओके, सप्लायर इज स्ट्रॉन्गर. ठीक ना, सो परसेंटेज ऑफ टैक्स बोर्न बाय द कंज्यूमर, परसेंटेज ऑफ टैक्स बोर्न बाय द कंज्यूमर इक्वल टू percentage of tax borne by the consumer equal to 7.5 divided by 10 into 100. 7.5 divided by 10 into 100. 7.5 divided by 10 into 100. Okay, 75%. 75%. Next line, percentage of tax borne by the supplier. Percentage of tax borne by the supplier. Borne by the supplier is equal to 25%. ठीक है, सप्लायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंज्यूमर वीक है. ED लेस देन ES. ED इज लेस देन व्हाट? ES. ED लेस देन ES. नंबर्स तो काम का है नहीं, इंप्लिकेशंस काम का है. अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, हु विल पे मोर टैक्स? कंज्यूमर. ओके, जिसका इलास्टिसिटी हाई है वो स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे पता चलता है कौन कितना टैक्स पे करेगा वगैरह वगैरह. ठीक है, तो ये हुआ टैक्स का इंप्लीकेशन. क्वांटिटी कम हो गया, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू गया, देयर इज अ डेड वेट लॉस टू द सोसाइटी. ठीक है, तो वी कैन रीड्रॉ द डायग्राम, कंप्यूट द डेड वेट लॉस. ओके, बट सेंस नहीं, मतलब टू मच ऑफ मैथ्स हो जाए जाने में. ठीक है, आई हैव टू लिमिट माय सेल्फ, अदरवाइज ESED में जाके क्रॉस चेक करा सकते हैं. 75% है. ठीक है, बट डजंट हेल्प. तो दैट इज द इंप्लीकेशन ऑफ व्हाट? टैक्स. अगर टैक्स कंज्यूमर पे इंपोज होता, किस पे इंपोज होता? कंज्यूमर पे, तो कौन सा कर्व चेंज होता? डिमांड कर्व चेंज होता. ठीक है, तो देखना क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इफ द टैक्स इज इंपोज्ड ऑन द कंज्यूमर? व्हाट इफ द टैक्स इज इंपोज्ड ऑन द कंज्यूमर? इज इंपोज्ड ऑन द कंज्यूमर. सॉल्यूशन, तो कंज्यूमर का जो प्राइस है ना, द प्राइस दैट ही वांट्स टू पे, वो तो मार्जिनल बेनिफिट होता है दैट ही रिसीव्स.
कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है तो यू वुड लाइक टू पे मोर और लेस लेस ठीक है ना देखते ना इन दिस केस द डिमांड कर्व विल चेंज इन दिस केस द डिमांड कर्व विल चेंज सो क्यू डी इक्वल टू 600 माइनस पी इसको उल्टा कर रहे हैं पी इक्वल टू 600 माइनस क्यू डी तो दिस इज द प्राइस द कंज्यूमर वांटेड टू पे बिफोर द टैक्स After the tax, he would like to pay what? Less. After the tax, the consumer would like to pay less. After the tax, the consumer would like to pay less. So less money P is equal to 600 minus QD minus 10. So P is equal to 590 minus QD. P is equal to 590 minus QD. Which means QD equal to 590 minus P. ये नया demand function हो गया. So demand function कहाँ पर shift हो गया है? Okay. Basically demand supply curve दोनों left पर shift हो जाते हैं. Supply पे introduce the supply curve will shift to the left. Consumer पे impose हुआ तो demand curve will shift to the left. ठीक है? Next slide. New equilibrium is given by QD equal to QS. So 590 minus P is equal to क्या था supply function शुरू में minus 1400 plus 3P. So 4P equal to what? 4P equal to 1990. So P equal to what? 497.5 कंज्यूमर 497.5 सप्लायर को दे रहे हैं किसको दे रहे हैं सप्लायर को और गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं 10 तो कंज्यूमर घर से क्या जा रहे हैं 507.5 ना ये प्राइस तो वो प्राइस है जो कंज्यूमर किसको दे रहे हैं सप्लायर को और 10 रुपीज गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो कंज्यूमर घर से क्या जा रहे हैं 507.5 जो प्रीवियस आंसर आया था ना मतलब टैक्स हम किसी पे भी लगाएं कंज्यूमर पे लगाए या सप्लायर पे लगाए स्टैट्यूटरी इंसिडेंस टैक्स कुछ भी हो जाए एक्चुअल इंसिडेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट ना फिर से तो आंसर सेम आ गए दिस इज द प्राइस द कंज्यूमर इज पेइंग टू द सप्लायर एंड ही इज पेइंग 10 टू द गवर्नमेंट तो एक्चुअली उसके घर से जा रहा है 507.5 ठीक है ना देखते ना दिस इज द प्राइस द कंज्यूमर इज पेइंग टू द सप्लायर दिस इज द प्राइस दैट द कंज्यूमर इज पेइंग टू द सप्लायर And he is paying 10 to the government. Full stop. So in effect, he is paying 507.5. Full stop. This goes to show that the actual incidence of tax remains the same. No matter whether the tax is imposed on the consumer or supplier. No matter whether the tax is imposed on the consumer or supplier. ठीक है? अगर वो टिकवा पूछता है इसके बजाय इसके इम्पोज तो क्या होता कुछ नहीं सेम इफेक्ट होता ठीक है ना एक्चुअल इम्पैक्ट विल रिमेन द सेम ओके सो ये जो नमक क्रंचिंग हो गया सब्सिडीज का इफेक्ट उल्टा होता अगर सब्सिडीज होता तो उससे ओवर प्रोडक्शन होता ठीक है वगैरह देयर वाज आल्सो अ डिस्कशन इन द एलओएस ओके ऑन द फैक्ट दैट सपोज कोई गुड्स है व्हिच आर इलीगल गुड्स व्हाट गुड्स इलीगल गुड्स व्हिच आर नॉट अलाउड टू बी कंज्यूम्ड और सोल्ड इन द सोसाइटी फिर भी देयर इज अ डिमांड फॉर सच इलीगल गुड्स
And if there is a demand for such illegal goods, supply will also come back in a free economy. तो अगर illegal goods है तो government अगर catch कर लिया कि कोई illegal goods का consumption कर रहा है, sale कर रहा है, तो government उस पर penalty impose करेगा, ठीक है ना? तो they have discussed that more penalty अगर consumer bear करने वाला है, consumer भी, मतलब consumption पे penalty है, तो the demand curve will shift to the left, demand curve will shift to the left, but अगर जो बेच रहा है उसके ऊपर penalty है, तो supply curve will shift to the left. Yeah, but it's more or less the discussion is the same like the tax for a portion na penalty ko tax treat kiya ja raha hai. Both have to pay penalty. Jo consume kiya usko bhi dena padega aur jo supply kiya both the curves will shift to the left. Theek hai? Accordingly, wo sab discussions hua like what will happen to the price and so on. Theek hai? So when you give the reading, you try to relate things. Tax, illegal goods. Okay, same stuff hai. Subsidy, tax se ulta hai. Price floor, price ceiling. Think opposite. Theek hai? Quotas, limit of production. Wo sara jo raha tha. ठीक है, ओके. तो आई जस्ट थॉट कि एक बार कुछ नंबर्स से हेल्प से कल का पिकअप कर ले, बट प्लीज रिवाइज करते समय कोई भी अपने जैसे स्टूडेंट है जिसको ज्यादा नंबर्स अच्छा नहीं लगता है, दीज नंबर्स के नॉट कम इन द एग्जाम, इम्पॉसिबल. ठीक है, दे वर जस्ट मेंट टू मेक द डिस्कशन मोर कंक्रीट. टैक्स से क्या होता है, इससे क्या होता है, आपको केवल थ्योरेटिकली जानना है, क्वेश्चन इस तरह नहीं आना. ठीक है, थ्योरी वाइज पूछना. ओके, सो यू कंप्लीटेड 3 टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स माइक्रो. One is demand supply, the second one was fairness and efficiency, and the third one was markets in action. Okay, so apne fourth topic se aaj start kar rahe hain. Theek hai, fourth topic. The fourth topic is organizing production. Fourth topic is organizing production. Organizing production. Organizing production.